December 9th, it's 11:55 और मैं जा रहा हूँ अभी हम्पी। गोवा में मुझे एक महीने से ज़्यादा हो गया है। मेरा प्लान एक्चुअली में ये था कि मैं गोवा से गोकर्णा जाऊँगा एंड देन आई गो टू मुरुदेश्वर एंड देन थोड़ा सा वापस आके आई री राउट टूवर्ड्स हम्पी एंड देन फिर हम्पी से बैंगलोर, बैंगलोर से कुद्रेमुख, चिकमगलूर एंड देन जॉइन द कोस्टल रूट एंड गो टूवर्ड्स ऊटी एंड देन कोयम्बटूर। सो दिस वॉज द प्लान टिल नाउ, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे बैंगलोर जल्दी जाना पड़ रहा है, और वो है कि जो मेरा मेन कैमरा है उसका डिस्प्ले खराब हो गया है। So the camera is still working, I'm still able to record from the viewfinder, but display nahi aa raha, to it's a little inconvenient because viewfinder mein aapko fir wo aankh laga ke dekhna padta hai. So that's why I thought let me go to Hampi first and then do that circuit and come back to Murudeshwar and Gokarna and then stay in Gokarna for some time and then head towards south. Also I'm kind of, you know, done with beaches right now because एक महीने से यहाँ पे हूँ और बहुत गर्मी है बाहर, तो मेरा ये था कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था मुझे बीचेस से एंड देन आई विल कम बैक टू गोकर्णा, और वैसे भी उसके बाद साउथ में यार बहुत सारे बीचेस ही बीचेस होंगे। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू गाइज दैट यू नो मैंने गोवा में बहुत सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी थी, कुछ वाटरफॉल्स मुझे कवर करने थे, ट्रैक करना था कहीं पे, बट वो सब मैं अभी नहीं कर पाया। आई थिंक इट्स अगेन बिकॉज ऑफ दिस वेदर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना हॉट और ह्यूमिड रहेगा इस टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे भी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। आई डू थिंग्स आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट देन यू नो दिस हीट रियली किल्स यू, सो आई ड्रॉप दैट प्लान। बट आगे होंगे यार बहुत सारे ट्रैक्स होंगे जहाँ पे द वेदर विल बी इन फेवर, लाइक चिकमगलूर में, कुद्रेमुख में, और इवन डाउन साउथ एंड वाटरफॉल्स इज वेल, आई विल कवर सम अमेजिंग वाटरफॉल्स। सो आज का मेरा प्लान एक्चुअली ये था कि मैं आज सुबह जल्दी निकलूँगा 6-7 बजे और सीधा हम्पी पहुँचूँगा, बट मुझे निकलते निकलते 10 बज गए एंड नाउ आई एम अ लिटिल लेट फॉर दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में शायद हुबली में या उसके थोड़ा सा आगे रुक जाऊँगा, बिकॉज हम्पी से जो पहले का रास्ता है आई डोंट वांट टू कवर दैट ड्यूरिंग नाइट टाइम। ऑल्दो आई कैन ड्राइव बट आई वांट टू शूट दैट एज वेल। सो देखते हैं कि आज की कहानी अभी कहाँ तक जाती है। मुझे अपनी गाड़ी की एक्चुअली सर्विस भी करानी है जो मैं अब बैंगलोर में जाके कराऊंगा। इट वाज ड्यू एट 40,000 किलोमीटर्स और अभी हो गए हैं 43,000। आई थॉट कि गोवा में करा लूँगा बट टाइम मिला नहीं मुझे, और मे बी आई वाज अ लिटिल लेजी, बट आई विल गेट इट डन फर्स्ट थिंग वंस आई रीच बैंगलोर। एंड आई एम एक्चुअली यू नो प्रीटी एक्साइटेड नाउ बिकॉज गोवा तक तो मैंने पहले भी ड्राइव किया हुआ है लाइक 2015-16 में, बट नाउ आई बी एक्सप्लोरिंग यू नो प्लेसेस विच हैव नेवर सीन, रोड्स वेर हैव नॉट ड्रिवन। आई मे नॉट साउंड एज एक्साइटेड बिकॉज मैं थोड़ा ऐसे ही रहता हूँ काम, एंड मोर ओवर आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, और 12 बज गए और मुझे भूख लग रही है।
तो शाम को तो 6 बजे के बाद आई थिंक बंद हो जाता है ना ये रोड. ओके. और जानवर वगैरह दिखते हैं बीच में यूजुअली? नहीं, नहीं. नहीं दिखते हैं. अंदर की साइड को. अंदर क्या साइड next morning and I'm in Hubli, or like the people here say Hubli. तो मैं कल रात को यहाँ पे रुक गया था because यहाँ पे पहुँचते 5:30 बज गए थे and then और 4-5 घंटे का रास्ता था हम्पी तक and I didn't want to cover that during night क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ and I need to see before reaching like what's around, how's the road and everything and the surroundings. तो अभी 12 बज रहे हैं एंड इट्स शोइंग 4 hours 11 minutes टू बी प्रिसाइज एज पर द मैप्स. बट एज यू गाइस नो मुझे 4 घंटे नहीं लगेंगे, मुझे कम से कम 6-6.5 घंटे लग जाएंगे. सो आई विल जस्ट हैव ब्रेकफास्ट ऑन द वे एंड आई थॉट कि मैं आज सुबह जल्दी 5-6 बजे निकल जाऊंगा क्योंकि मैं कल टाइम से यहाँ पे पहुँच गया था. बट देन आई हैड टू फिनिश द व्लॉग एंड अपलोड इट बिकॉज समबडी टोल्ड मी दैट देयर विल बी नो और नॉट रियली गुड नेटवर्क इन हम्पी. सो आई थॉट कि इसको ख़त्म करके ही जाते हैं यहाँ पे एंड देन आई विल स्टे इन हम्पी फॉर 3-4 days एंड देन आई विल देन हेड टू बैंगलोर. ओ यस, आई ऑल्सो फॉरगॉट टू टेल यू दैट माई मेन व्लॉगिंग कैमरा, उसका जो माइक का पोर्ट होता है वो ख़राब हो गया है. सो देर इज़ नो ऑडियो इन वट एवर कॉन्टेंट आई शॉट लास्ट नाइट, तो उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड अब मुझे बैंगलोर जाने तक का वेट करना पड़ेगा एंड टिल दैट टाइम आई विल हैव टू लाइक व्लॉग फ्रॉम दिस ऑस्मो पॉकेट. सो द क्वालिटी इज़ ओके, इट्स डिसेंट. आई यूजली यू नो यूज़ दिस जस्ट फॉर शूटिंग द रोड, बट कर लेंगे, अब ऑप्शन नहीं है कोई, सह लेंगे थोड़ा. आपको भी सहना पड़ेगा थोड़ा बैड क्वालिटी, बट आई विल ट्राई टू fix it in the post. Traveling consistently solo for months has taught me something. It won't be always exciting to be on the road. Sometimes the weather will make you feel low. Sometimes you'll just want to be at the next destination as soon as possible. And sometimes you'd wish for someone's company. But these are all just mere feelings, and you're supposed to feel that way at times. There are pros and cons to everything. The moment you get to a beautiful place which you haven't experienced before,
you'll forget about everything and become one with the nature. You leave something of yours there and take something from there. There's nothing good, there's nothing bad. It's all about the experience. And that's more valuable than money.